आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एक मोबाइल फ़ोन जो है फटने की, उसकी बैटरी ब्लास्ट होने की जो है खबर आ रही है, और मोबाइल फ़ोन जो है उनकी बैटरी हम कह सकते हैं कि ब्लास्ट हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस भी है दोस्तों, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन को जो है हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, और जितने हमारे कह सकते हैं पॉकेट्स होते हैं उसमें हम उनको रखते हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों क्यों आ रही है, उसके भी कुछ कारण हैं, कुछ रीज़न हैं, कुछ जेन्युइन रीज़न भी हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम कह सकते हैं कि आजकल बहुत साइज जो है उसका हम कह सकते हैं कि बहुत, जैसे कि 200 ग्राम या 180 ग्राम या और ज़्यादा कम उसका वेट कर दिया गया है। और इतना कॉम्पैक्ट में भी आप देख सकते हैं कि 7000 mAh तक की बैटरीज आ रही हैं, 6000 mAh की बैटरी आ रही हैं। और दोस्तों, ये जो लिथियम बैटरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि सेंसिटिव भी होती हैं, क्योंकि इनमें जो मटेरियल्स मिले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। वो किन केसेस में हो सकते हैं, उसमें भी दोस्तों जो रीज़न है वो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि 100 मोबाइल में कोई एक मोबाइल फट जाता हो, या हम कह सकते हैं 1000 मोबाइल्स में। ये आजकल कंपनीज बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और लाख या 10 लाख में कोई ऐसा केस आता होगा जो जिस मोबाइल का फ़ोन जो है ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बैटरी जो है फट जाती है उसके। दोस्तों, अब जो जेन्युइन रीज़न है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप जो है कोई भी चार्जर अदर देन उस मोबाइल के आप यूज़ करते हैं तो ये एक रीज़न हो सकता है। जैसे कि हम कहें कि आपके पास ए कंपनी का फ़ोन है तो आप बी कंपनी का चार्जर यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जेन्युइन ही कहलाएगा। लेकिन जब हम कह सकते हैं कि 10-20 रुपये का चार्जर और केबल लेकर अगर हम चार्ज करने लगेंगे मोबाइल फ़ोन्स को, तो दोस्तों ऐसे में समस्या होती है। उस फ़ोन की बैटरी के जो सेल होते हैं वो जो जेन्युइन चार्जर है उससे आप उनको सही तरीके से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम एक घटिया सा 10-15 रुपए का चार्जर खरीद के जो है फ़ोन चार्ज करेंगे, उससे आपकी बैटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक और दोस्तों, जो आजकल फ़ोन बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और ऐसा होता है कि फ़ोन्स अपने आप प्लग आउट हो जाते हैं जब फुल चार्ज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है दोस्तों कि कुछ सालों में, 3 या 5 साल बाद, अगर आपकी बैटरी का साइज़ बढ़ने लगा हो और बैटरी अगर थोड़ी बहुत फूलने लगी हो, तो समय समय पर जो है बैटरी को भी हमें चेंज ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये छोटी मोटी जो कीमत की चीज़ें होती हैं ये हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने से बचा सकती हैं। क्योंकि जब ये फ़ोन ब्लास्ट होते हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, तो इनका ब्लास्ट का पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी को भी ये हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों, ध्यान आपको सिर्फ यही रखना है, जब चार्ज की ज़रूरत है, जितने चार्ज की ज़रूरत है उतना चार्ज किया जाए। आपके मोबाइल फ़ोन के साथ जो है जेन्युइन जो मोबाइल आता, हम कह सकते हैं कि चार्जर आता हो, उसी से चार्ज करें। और अगर आप उसी से चार्ज करेंगे और थर्ड पार्टी ऐप कह सकते हैं कि मोबाइल के जो चार्जर्स आते हैं बहुत ज़्यादा लोकल जो होते हैं उनसे चार्ज नहीं करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। और अगर आप इन्हीं चार्जर से चार्ज जो है करते रहे अपने मोबाइल फ़ोन्स को, जो कि काफ़ी अच्छे आजकल कंपनीज बना रही हैं, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि जब ऐसे रेयर केसेस आते हैं तो जो है और लोग भी इस टेक्नोलॉजी से थोड़े डर जाते हैं, सहम जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि आज एक जगह मोबाइल ब्लास्ट हुआ है, कल और कहीं भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें दोस्तों नहीं होती हैं, अगर हम जेन्युइन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बैटरी रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि ये बैटरीज फटने के कारण क्या होते हैं। एक और जो जेन्युइन कारण है दोस्तों, वो भी मैं आपको बता सकता हूं, जब फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो, आपकी बैटरी का पावर फुल हो, जैसा हम कह सकते हैं कि धूप में या कोई ऐसा कमरा है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, या ऐसी कोई प्लेस है दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट, हम कह सकते हैं कि बॉडी उसका टेम्परेचर जो है बैटरी का बहुत ज़्यादा चला जाता है, तब भी चांसेस होते हैं कभी कभी बैटरी ब्लास्ट होने के। लेकिन वैसे और केसेस में बैटरीज कभी ब्लास्ट नहीं होती हैं,
और ऐसा ही बिल्कुल सही है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।